हाँ जी स्टूडेंट, क्लास टेंथ में एक्सरसाइज 2.3 में सवाल नंबर 4 करते हैं अपने। सवाल नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स, द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर एक्स माइनस 2 एंड 2x माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड जी एक्स। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। ये अपने आप में क्या है, पी एक्स है। क्या अपने आप में पी एक्स, और जी एक्स आपको निकालना है, कोशियंट एंड रिमाइंडर ये और ये। तो कोशियंट को क्या बोलते हैं, क्यू एक्स कितना है एक्स माइनस 2, रिमाइंडर कितना है आर एक्स, वो कितना है माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, रिमाइंडर दे दिया, पी एक्स दे दिया। वो अपने जानते हैं यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। फॉर पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू यू एक्स प्लस कितना होता है आर एक्स। ये बताया था मैंने कल, जो डिवाइड करते समय ये करते हैं अपनी। ठीक है, अब यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू डाल दीजिए। पी एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। जी एक्स आपको निकालना है, क्यू एक्स कितना है एक्स माइनस 2, रिमाइंडर कितना है माइनस 2x प्लस 4। ठीक है भाई, अब सबसे पहले ये तो मल्टीप्लाई में इसकी, ये वाला तो ये डिवाइड में जाएगा, इसको यहाँ लिया इसके पास। तो एक्स क्यूब माइनस 3x², ये माइनस का 2x, जब इसमें आके प्लस होकर दिया कितने हो जाएंगे 3x, और ये भी इसमें आके माइनस होगा, प्लस का 4 जब 2 में से माइनस होगा कितना आएगा माइनस का 2, इस तरफ कितना है जी एक्स इंटू कितना एक्स माइनस 2। ठीक है भाई, अब ये x माइनस 2 इसके डिवाइड में ले आएंगे, यहाँ पर x माइनस 2 कहाँ ले आएंगे डिवाइड में, और यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, अब अपने पास ये जो स्टेप है, ये आपका जी एक्स का स्टेप है, मतलब इसका मीनिंग है कि इसके अंदर आप इसका जब डिवाइड करोगे तो आपका इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। तब आपको अब डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करेंगे आप, इसमें एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, डिवाइड किसका करना है एक्स माइनस 2 का। तो किस से इंटू कर दो इसको, x² से, तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x², साइन चेंज ये कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा माइनस x², माइनस के 3 प्लस के 2 है ना, और प्लस के 3x माइनस 2। अब इसको किस से इंटू करूँ, माइनस x से, तो ये आ जाएगा माइनस x² माइनस 2x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस आएगा 2x, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा x माइनस 2। ठीक है भाई, एक्स माइनस कितना बचेगा 2 बचेगा। अब किस से इंटू करूँ इसको, प्लस 1 से, प्लस 1 से क्या एक्स माइनस 2, ये वाला माइनस ये वाला प्लस दोनों कट गए, कितना है 0 आ गया। तो ये जो है ना वो आपका क्या है, वो जी ऑफ एक्स है। कैसे, मीनिंग तो यही था ना कि इसमें इसका डिवाइड करोगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा, जी एक्स आएगा। तो ये अपना जी एक्स आ गया, तो लास्ट में जी एक्स कितना आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका इसमें जी एक्स आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना आपको। ये क्या किया था मैंने, मेरे पास पी एक्स था, क्यू एक्स था, जी एक्स था, मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, या पी एक्स की वैल्यू डाल दी, जी एक्स की वैल्यू डाल दी, क्यू एक्स की वैल्यू डाल दी, आर एक्स की वैल्यू डाल दी। सबसे पहले माइनस का 2x इसमें आगे प्लस हो गया, प्लस 3x हो गया, प्लस का 4 इसमें माइनस हो गया, इंटू वाला डिवाइड में, अब इसमें इसका डिवाइड लगा दी, इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 2.3 में गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, मतलब डिविडेंड की डिग्री और रिजल्ट जो है कॉलम्स की डिग्री बराबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट पी एक्स अपने पावर 2 का कोई लेते हैं, क्या लेते हैं पावर 2 का 4x² प्लस 4x प्लस 12,
और एक मैंने जी एक्स मान लिया, वो फोर ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पी एक्स में किसका डिवाइड करता हूँ, जी एक्स का। ये फोर हो गया, ये वाला कितना है, फोर एक्स स्क्वेयर, फोर एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व। मैंने पी एक्स ये लेट कर लिया, फोर एक्स से क्वाड्रेटिक लिया। इसमें सब में चार 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 के मल्टीपल हैं, तो चार का डिवाइड लगा देंगे। अब इसमें ऊपर से चार कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस थ्री अपॉन कितना फोर, ये कट जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस थ्री। ये जो रिजल्ट आया वो क्या है, क्यू एक्स है। कैसे, डिवाइड पूरा हो गया ना। अरे यहाँ पी एक्स होता है, यहाँ जी एक्स होता है, यहाँ क्या होता है क्यू एक्स, और यहाँ क्या होता है आर एक्स। तो यहाँ देखिए इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, पर टू। हमें क्या चाहिए, डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स बराबर चाहिए। तो पी एक्स की डिग्री कितनी थी, टू, तो क्यू एक्स की डिग्री कितनी है, टू। तो यहाँ बराबर हो गई ना, डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। भाई डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी है, टू, ऐसे पावर टू का ये पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ क्यू एक्स भी कितनी है, टू है। क्या एग्जांपल लिया मैंने, एनी कोई क्वाड्रेटिक ले लिया, फोर एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस ट्वेल्व, इन सब में फोर का डिवाइड लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, समझ गए। दूसरा केस क्या है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स मतलब यहाँ वाले की डिग्री क्वेश्चन के रिमाइंडर की डिग्री बराबर आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो, ये डिग्री बराबर तब आएगी ना जब यहाँ वाला बड़ा हो यहाँ वाला छोटा हो। तो मैंने एक्सपोज कर लिया पी एक्स को, पी एक्स को एक्सपोज कर लिया एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, और जी एक्स मैंने ले लिया इसमें एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, ये देखो इसकी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड लगाया एक्स स्क्वेयर माइनस वन का। स्टूडेंट पार्ट नंबर सेकेंड में डिवाइड करना था, तो इसको किस से इंटू करें, यह आ जाए एक्स से इंटू करना पड़ेगा। तो x का इस इंटू के कितना हो गया, x क्यूब, x का इंटू माइनस वन से क्या माइनस एक्स, ये माइनस ये वाला प्लस, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब तो किस से इंटू करें, प्लस वन से, तो प्लस वन से इंटू किया तो कितना आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस का वन, कितना आया माइनस का वन, साइन चेंज, ये कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा टू एक्स प्लस टू। तो ये वाला आ जाएगा रिमाइंडर इसकी डिग्री वन है, ये वाला क्या आ गया कोशेंट डिग्री कितनी है इसकी, वन है। तो सवाल में यही था कि डिग्री किस किस के बराबर होनी चाहिए, डिग्री बराबर होनी चाहिए कोशेंट की रिमाइंडर की, ठीक है भाई। तो ये वाला इस तरीके से हो गया, पहले बेटा थोड़ा ये गलत हो गया था, अब मैंने इसको दोबारा करवाया, मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में, यहाँ कुछ गड़बड़ थी, किसी स्टूडेंट ने बताया, उस बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका थर्ड पार्ट क्या था कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर की, डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो थर्ड पार्ट में अपन क्या करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स लिया मैंने, अब इसमें एक्स प्लस टू का डिवाइड करूँगा मैं, ठीक है भाई। तो यहाँ डिवाइड पूरा हो जाएगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर की डिग्री है ना वो जीरो आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो मैं यहाँ सेवन ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ सिक्स लूँगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसके दो फैक्टर होते हैं एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो दोनों फैक्टर का डिवाइड करूँगा रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है। हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, हमें रिमाइंडर की डिग्री जीरो चाहिए, नहीं कि रिमाइंडर जीरो चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बढ़ा दिया, तो इसमें इसको एक्स इंटू कर लो, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया थ्री एक्स प्लस सेवन, इसको इंटू कर दो आप प्लस थ्री से, तो कितना आ जाएगा थ्री एक्स प्लस टू जो सिक्स, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा वन, तो ये वाला आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर मैक्स की पावर कितनी है, जीरो है। तो यहाँ रिमाइंडर की डिग्री कितनी है बेटा, जीरो है, क्योंकि किसी की पावर जीरो उसकी वैल्यू वन होती है, तो वन का वन से तो वन रह जाएगा रिमाइंडर ये, ठीक है। तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी आ गई इसमें, रिमाइंडर की इसमें डिग्री आ गई जीरो, ठीक है। यही हमारा सवाल था, तो ये तीसरा पार्ट भी हो गया, ठीक है। Thank you.